तो ये है JBL के Live Pro Plus, और इनके अंदर आपको देखने को मिलता है Amazon Alexa, Google Assistant, Adaptive Noise Cancellation, 28 Hours के बैटरी बैकअप और ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है और इनकी साउंड क्वालिटी और इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो बात करते हैं। जैसे ही मैंने इस बॉक्स को खोला तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा एक कटआउट देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको ये JBL के जो ईयरबड्स हैं यहाँ पर रखे हुए देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी कमाल के तरीके से पैकेजिंग भी कर रखी है। ऐसा ही नहीं तो चलो इसे शुरू करते हैं वन बाय वन। अब इसे मैंने खरीदे हुए बहुत दिन हो चुके हैं और मैं इसे काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल भी करता हूँ। तो बॉक्स के अंदर एक केस देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये यहाँ पर कुछ पुस्तकालय है इस बॉक्स के अंदर और साइड में है ये ईयरबड्स जो कि बहुत तगड़े तरीके के हैं और इनकी साउंड क्वालिटी, इनकी बिल्ड क्वालिटी सच में बताऊं तो बहुत सही है। तो चलो एक एक करके इनके सारे फीचर्स और इनकी बिल्ड क्वालिटी को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं क्या इस प्राइस पॉइंट पे ये वर्थ इट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस ईयरबड्स को हम यहाँ से निकालते हैं और इनके अंदर केस के अंदर डालते हैं। ओके वाओ, केस को खोलते ही बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो एक लाइट, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी लाइट सारी जो कि वाइट कलर में है। तो इन JBL की ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब बात करते हैं इसके खास फीचर्स की जो कि इसके अंदर मिलते हैं। अब देखो ये JBL की तरफ से आता है तो इसके अंदर JBL का सिग्नेचर साउंड देखने को मिलता है। और बात करूँ मैं अगर ऑडियो क्वालिटी की और क्लियरिटी की तो भाई बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑडियो का भी, जेन्युइनली बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने इंट्रो में मेंशन की थी कि इनके अंदर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये केस जो है बेसिकली वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कोई भी QI इनेबल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड अगर आपके पास है तो ये उससे काम कर जाएगा। अगर आपके पास कोई फ़ोन है जो कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो उसके साथ भी काम कर लेता है। और इनके अंदर जो ईयरबड्स है ना, ये जो छोटे वाले जो ईयरबड्स जो कान में पहनते हैं बेसिकली, ये IPX4 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। इनको लेके अगर बारिश में घूमने जा रहे हो गर्लफ्रेंड के साथ या फिर बाइक चला रहे हो वूं वूं करके तो भाई ये काम में नहीं आएंगे। तो ये वाटरप्रूफ नहीं, ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है कि छोटा मोटा झेल लेंगे। अब मेन चीज़ की बात करते हैं, देखो ऑडियो अच्छी है, फीचर्स भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, अब इसके लिए बैटरी भी लगेगी है कि नहीं। तो इन ईयरबड्स के अंदर केस को लेके और ईयरबड्स की बैटरी को लेके आपको टोटल 28 घंटों का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है बिना किसी नॉइस कैंसिलेशन के। अगर आप किसी भी तरह का नॉइस कैंसिलेशन यूज़ करते हैं या फिर कंटिन्यूसली गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हैं तो आपको सारी टोटल जो बैटरी है वो सिर्फ 24 आवर्स की देखने को मिलेगी केस और ईयरबड्स के लेके। ईयरबड्स के साथ अगर आप ANC यूज़ करते हैं, मतलब कि अडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन अगर आप यूज़ करते तो 6 घंटे का प्लेबैक आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा, और अगर नहीं यूज़ करते आप तो 7 घंटे का, तो मतलब करते हैं तो 1 घंटे का डिफरेंस है, नहीं करते तो 1 घंटे ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो 4 घंटे से लेकर 4.5 घंटे तक चलता है, अब यूज़ करो या ना करो अडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन को, 4 से 4.5 घंटा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं इसे हर दिन यूज़ करता हूँ अपने लिए जॉब पे जाते समय, आते समय या फिर जब खाली टाइम मिलता है रूम में, कभी मूवी देखते वक्त, कभी वीडियो एडिटिंग करते वक्त, गेमिंग करते वक्त, मतलब हर समय जहाँ पर भी मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने ऐसे नोटिस किया है कि ये 4 से 4.5 घंटे तक का कंटिन्यूसली बैटरी बैकअप दे सकता है एक ईयरबड्स, और इस केस के थ्रू आप इसे 3 बार चार्ज कर सकते हैं। तो ये मसला सारा बैटरी का था। बात करूँ नंबर्स की तो इसके अंदर आपको 11 mm के डायनेमिक बूस्ट ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली वही फंडा है कि जितने बड़े ड्राइवर्स होंगे उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी, उतनी अच्छी बास क्वालिटी और उतनी अच्छी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी ईयरबड्स में, या फिर अगर कोई भी ऐसा सिस्टम लेते हैं आप जो कि स्पीकर से रिलेटेड है या फिर स्पीकर है, उनमें ये ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जब एक रियलमी ईयरबड्स की वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलते हैं और इनमें 11 mm के। देखिए 1 mm का फ़र्क बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाता है साउंड क्वालिटी में भी। और उस वीडियो के पहले भी मैंने JBL के ही ईयरबड्स को अनबॉक्स किया था और रिव्यू किया था जो कि मैंने कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया था, तो यार उस वीडियो पे ना भयंकर रिस्पॉन्स मिला। मतलब यार आज तक उस वीडियो का रिकॉर्ड 37,000 व्यूज़ है उस पे। मतलब मेरे चैनल का हाईएस्ट रैंकिंग वीडियो है वो, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आपको ये भी ईयरबड्स पसंद आएंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। देखो ऑडियो अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, साउंड
ठीक ठाक है, टच कंट्रोल भी बहुत बढ़िया है, बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं, और इसके अंदर आपको अडैप्टिव नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाता है। अब अडैप्टिव नॉइस कैंसलेशन कैसे काम करता है, कब करता है और कितने एक्यूरेसी के साथ काम करता है, ये मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता, मतलब ऐसे बोल के तो बिल्कुल नहीं बता सकता। बट अगर बात करूँ जिस प्राइस पॉइंट पर ये ईयरबड्स आते हैं और जिस तरीके की नॉइस कैंसलेशन इनके अंदर देखने को मिलती है, मतलब आप अगर इनको अगर इस्तेमाल करें तो जो छोटी मोटी नॉइस है आजू बाजू की, आपके आजू बाजू अगर कोई लोग बोल रहे हैं या फिर आप ट्रैफिक में हैं, तो जो छोटी मोटी नॉइस है उनको ये छोटी मोटी नहीं सिर्फ छोटी छोटी नॉइसेस को ये कैंसिल करेगा, और जो एकदम लाउड आवाज़ है या फिर लाउड नॉइस है उनको ये एक सर्टन लेवल तक कम करेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से गायब नहीं होगी। तो बेसिकली इनका जो अडैप्टिव नॉइस कैंसिलेशन काम कर लेता है। अब जब यहाँ तक आपने देख ही लिया तो मुझे पर्सनली क्या इसमें पसंद आया और उसके अंदर क्या पसंद नहीं आया, क्या इम्प्रूव हो सकता था इस प्राइस पर बेसिकली, तो यार बात करूँ तो इसके जो टच कंट्रोल्स हैं बहुत एक्यूरेट है, मतलब आपको कंप्लेन नहीं आएगी कि आपने एक बार टाइप किया तो यार मिस हो गया ऐसा वैसा नहीं, आपने अगर सही जगह पे टाइप किया है तो बिल्कुल काम करेगा। ऑडियो बहुत अच्छी है, JBL के है तो भाई ऑडियो के लिए शायद मुझे बताना ना पड़े, JBL अपने ऑडियो के लिए ही ज़्यादा फेमस है, वो चाहे ये छोटा सा ईयरबड्स हो या फिर बहुत बड़ा स्पीकर क्यों ना हो, इसका लोग DJ बना के भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऑडियो के बारे में भाई एकदम परफेक्ट। अभी जैसे मैंने माइक्स के बारे में आपको बताया था, कॉलिंग क्वालिटी या फिर कॉलिंग रिस्पॉन्स या फिर जो भी बोल लो उसे, अब कॉलिंग के समय मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं चाहे पब्लिक एरिया में हूँ या फिर कहीं साइलेंट स्पेस पे हूँ या फिर बहुत क्राउडेड एरिया में हूँ, मुझे कभी भी कॉलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई और ठीक ठाक काम कर लेते इसके माइक्स भी। ANC जो कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं है, वो है अडैप्टिव नॉइस कैंसलेशन। तो एक ओरिजिनल वाली एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ये अडैप्टिव बोल के आता है इसके अंदर। तो इस लेवल का आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, एकदम लो भी नहीं है, ठीक ठाक है, काम कर जाता है, आपको एक नॉइस कैंसलेशन का एक्सपीरियंस दे देगा, छोटी छोटी आवाज़ों को ये पूरी तरीके से ब्लॉक आउट कर देगा, जो बड़ी आवाज़ें हैं या फिर बड़ी नॉइस है उनको आपको एक सर्टन लेवल तक कम करेगा और फिर आपको ठीक ठाक सा ऑडियो एक्सपीरियंस दे देगा। और एक चीज़ जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, वो भूलना मत कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इसके अंदर हमें वो देखने को मिलता है। ये सारा जो मसला था या फिर जो भी मसाला था, ये गुड्स के लिए था, मतलब अच्छी चीज़ें थी इसके बारे में। थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी, जैसे कि थोड़ी सी बैटरी इंप्रूव हो सकती, ऑब्वियसली बता रहा हूँ मैं, बैटरी को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था, या फिर कंपनी जिस लेवल तक बैटरी को क्लेम करती है, बोलती है कि हम 28 घंटों का बैटरी बैकअप देते हैं, वो एटलीस्ट होना चाहिए था। जो कंपनी क्लेम करती है उससे 1-2 घंटा हमें नीचे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप ये ईयरबड्स यूज़ करते तो आपको पता होगा कि JBL के साथ आपको MyJBL ऐप का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके अंदर आप जाके इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन है वो थोड़ा और एडवांस होना चाहिए था, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप लेफ्ट ईयरबड को लेते हैं, या तो आप एक टाइम पे इस पे गूगल असिस्टेंट या फिर अमेजोन एलेक्सा कोई भी असिस्टेंट या फिर एलेक्सा सेट कर सकते हैं इस पे एक टाइम पे, फिर ये उसी के लिए हो जाएगा। दूसरी इसमें अगर आप सेट करते हैं प्ले पॉज और नेक्स्ट ट्रैक कर सकते हैं सिर्फ इसी ईयरबड से, फिर आप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो वो फिर इस ईयरबड्स पे एक्टिवेट होगा, फिर आपके जो अमेजोन एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट है वो काम नहीं करेगा। और फिर उसमें भी ऐसा है कि सिंगल टैप पे वॉल्यूम अप, डबल टैप पे वॉल्यूम डाउन, और ट्रिपल टैप नहीं है वॉल्यूम के लिए तो वो छोड़ो, बट ऐसा कुछ फंडा है। बट जो मोस्ट ऑफ द ईयरबड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि डबल टैप करो इस पे तो सामने वाले ट्रैक पे जाएगा, डबल टैप इस पे करो तो पीछे वाली ट्रैक पे जाएगा, इसे लॉन्ग प्रेस करो तो वॉल्यूम अप, इसे लॉन्ग प्रेस करो तो वॉल्यूम डाउन, तो ऐसा फंडा था, या फिर ट्रिपल टैप करने पे कोई और चीज़ होती थी, तो ऐसे दोनों को कॉम्बिनेशन साथ देना चाहिए था। ये चीज़ अभी भी हो सकती है इसके JBL के ऐप के अपडेट के थ्रू, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है फ्यूचर में तो। अगर देखो यार JBL वाले तो मेरा ये वीडियो देखेंगे नहीं, बट मैं बता रहा हूँ किसी ने अगर देख लिया और गलती से उनके पास ये वीडियो पहुँच गई तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझ जैसे और आप जैसे लोग जो बजट में एक अच्छा सा ईयरबड ढूंढते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ये मायने रखती हैं। तो यही था यार इस JBL के बारे में, और ये ईयरबड्स मेरे हिसाब से और मेरे लिए बहुत अच्छे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं। अगर आप भी ऐसे ढूंढ रहे हैं कोई ईयरबड जो कि आपको अच्छी साउंड क्वालिटी और अच्छे टच कंट्रोल्स के साथ आए और ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ भी है, तो शायद ये JBL के Live Pro Plus TWS आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो आप कोई एफिलेट लिंक नहीं है, ऐसे नॉर्मली आप इजीली एक्सेस कर पाए, इसलिए मैं आपको नीचे यहाँ पर एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑफर वगैरह है या फिर फेस्टिव सेल में आप इन्हें लेते हैं तो और भी थोड़ा सस्ते में मिल जाएंगे,
बट अगर जेन्यूनली बताऊँ तो बहुत सही, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी साउंड क्वालिटी और काफ़ी अच्छे जो क्या बोलते हैं टच कंट्रोल्स है और वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ ये एडिशनल पॉइंट हो जाता है। और इनकी अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी कमाल का था, बहुत अच्छे से अनबॉक्स पैकिंग कर रखी थी इन्होंने। तो बस यही था, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप मेरी दूसरी वीडियोज़ भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।